Hello everyone, welcome you all here on my YouTube channel. This is the second part of crop production and management of class 8 that we were doing. We have already done the first video in which we have discussed the common topics. If you didn't have seen the video, you can check the description box and you can learn the things that has been discussed in the previous video. So in this video we will discuss the preparation of soil step by step. इस वीडियो में हम सॉइल के प्रिपरेशन को देखेंगे स्टेप वाइज. हमने लास्ट टाइम क्रॉप को देख लिया था और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को देखे थे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट शेयरिंग द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. व्हाट इज़ दिस? हमारे पास ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो क्रॉप, आप क्रॉप लगाना चाहते हैं तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप? Preparation of soil will be the first step. The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. अगर हम किसी भी फसल को लगाते हैं तो सबसे पहला हमारा बेसिक नीड होता है कि हम सॉइल को प्रिपेयर करें और आपको उसे क्या करना है, मिट्टी को टर्न करना है, उसे लूज करना है. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि द सॉइल हैज़ बिन लूज इन परफेक्टली और इसमें अगर हम सीड्स को शो करते हैं, सोइंग करते हैं, बीज बोते हैं तो हमारा जो क्रॉप है वो बहुत ही बेटर तरीके से अच्छे से निकलता है. तो बात ये है कि व्हाट वी हैव टू टेक सम इम्प्लीमेंट्स, कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है जिसे हम चूज़ करेंगे. बिफोर शोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लैम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. This is done with the help of various tools. The main tools used for the purpose are the plough, hoe and cultivator. अब हम अगर मिट्टी को लूजन कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करेंगे. ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अगर बीज को बो रहे हैं तो जो क्लम्प्स होते हैं, मोटे मोटे जो दरारे होते हैं उसे तोड़े, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. यू विल सी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द प्लफ जो पहले के लोग यूज़ किया करते थे, जो फार्मर होते थे. यहाँ पे आपको दो बैल दिख रही हैं, उसके गले में जो लगा है हल. दिस वाज द ओल्डन टेक्निक. एंड जो सेकेंड पिक्चर है वो हो है, इसमें आपको ग्रीप हैंडल, बेंट प्लेट, रॉड, बीम, ये है. एंड ये भी बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे हम मिट्टी को बहुत अच्छे से लूजन कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ ट्रैक्टर कल्टीवेटर जो कि बहुत ही अच्छा है और ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है टू मेक द सॉइल लूज. Now this is our second step showing. After preparation of soil we start showing the seeds, you know. Sowing is an important part of crop production. Before showing, good quality, clean and healthy seed of a good variety are selected. Farmers prefer to use seed which give high yield. That means जब कोई भी farmer होता है after preparation of soil, जब वो seeds को show करता है, बोता है, तो उसके लिए सबसे important क्या होता है कि वो healthy seeds का selection करे so that जो उसका crop हो वो बहुत ही अच्छे से हो और उसे काफ़ी ज़्यादा benefit भी हो. तो ये बहुत ही important है कि if you are a farmer and you are started sowing the seeds in the field, you have to choose the very selected seeds for your better crops. As you are showing in the picture, there is no seed but the small baby plants are there just because the seeds were very selected. Now our next step is adding manure and fertilizers. क्या होगा जब हम preparation of soil कर लेते हैं, then after sowing what we do, we add some manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. Okay, तो जब एक crop को हम लगाते हैं और जब हम seedling कर देते हैं, sowing कर लेते हैं, तो जैसा कि आप इस figure में देख रहे हैं, हम उसमें कुछ manure और fertilizers को add करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये plant के growth में help करता है. अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड मैनर एंड फर्टिलाइजर्स. देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनर एंड फर्टिलाइजर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैनर. सो इट इज़ फर्स्ट दैट फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट.
एंड मैनर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये मैनमेड होते हैं, हम इसे फैक्ट्रीज में मेड करते हैं, जबकि जो मैनर होता है ये इन मतलब ये ऑर्गेनिक होता है, ये कैटल डंग और प्लांट के रेसिड्यूज से बनाए जाते हैं. फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज वाइल मैनर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स. फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर कर सकते हैं और मैनर जो है वी कैन प्रिपेयर दिस इन द फील्ड. फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. ये बात याद रखना है कि जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, जबकि जो मैनर है वो अलॉट ऑफ ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करता है. फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैनर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फर्टिलाइजर्स जो है इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जबकि मैनर में ये क्या होता है थोड़ा कम पाया जाता है. सो आई होप आपको फर्टिलाइजर और मैनर के बीच का कॉमन डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया होगा. एंड देर इज़ एडवांटेज ऑफ मैनर एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल एज बोथ वी विल डिस्कस फर्दर. एडवांटेजेस ऑफ मैनर, द ऑर्गेनिक मैनर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. दिस इज जस्ट बिकॉज इट इन्हेंसेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. मैनर को ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी. ये सॉइल को पोरस करता है, दैट मीन्स वो वाटर ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं और वो थोड़े लूजिंग ही रहे और गैसेस को ईजली बाहर निकाल सके. इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. ये क्या करेंगे, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल के फ्रेंडली होते हैं वो उनको इंक्रीज करते हैं. इवन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल. साथ ही साथ ये मिट्टी के जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव भी करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली दीज थिंग्स एंड आई होप दिस दीज ऑल थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू. एंड इफ यू हैव एनी डॉट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एवरी वन, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.